काल नारायण राणे मांडलिकर होतं. त्यावेळेस त्यांनी एक आरोप केलेला आहे की संजय राऊत काल नारायण राणे मांडलिकर होतं. त्यावेळेस त्यांनी एक आरोप केलेला आहे की संजय राऊत डावस गए. क्या लगता है आपको कितना अच्छी बात है? अच्छी बात है अगर मुख्यमंत्री जाते हैं दो दिन में, अगर 5 लाख करोड़ के निवेश लेकर आते हैं 2-3 दिन में जाएंगे ना, एक दिन पहुंचेंगे एक दिन रहेंगे, जेट लैग होगा, बहुत कुछ हो तो सोचे नहीं तो ठीक है. लेकिन सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट मुंबई से चुरा कर लेके गए हैं 2.5 लाख करोड़ की, वेदांत फॉक्सकॉन हो, एयरबस हो, ड्रग्स पार्क हो, ये सभी बहुत ही बड़े बड़े प्रकल्प हमसे हमारे महाराष्ट्र से चले गए, वो पहले कराए. ताउस बाद में जाइए, उस राज्य में जाइए जहाँ ये प्रकल्प गए, हमारे जो योजनाएं गई है, गुजरात है और कोई राज्य है, वहां जाकर पहले हमारे जो प्रोजेक्ट सब लेकर आए. बीएमसी कमिश्नर को ईडी की नोटिस भेजी गई है, क्या लगता है आपको? अच्छा, हमने तो नागपुर के अधिवेशन में मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा जमीन घोटाला निकाला था, एनआईटी के जो जमीन लैंड्स काम था 100 करोड़ का. बाद में और दो मंत्रियों के भी हमने बहुत से मुद्दे निकाले भ्रष्टाचार के, उस बारे में हमने ईडी को भी अवगत किया है. मैं देख रहा हूँ उनको नोटिस गया है. क्या संजय राउत यांनी गोड बोलावा असं कृपाशंकर सिंह यांनी सांगितलं. संजय राऊत यांनी गोड बोलावं त्यासाठी भारतीय जनता पक्षात जावं लागत नाही, पक्ष सोडून स्वतः.